आगे प्री का एग्जाम कॉन्फिडेंस का खेल है। रिवीजन, पढ़ाई वो सब तो लास्ट मोमेंट तक आप करोगे, पर अंतिम दिन जो है, जो छूट जाए रिवीजन में, उसको छोड़ देना, बोलना, कॉन्फिडेंस रखना कि मैंने जो नहीं रिवाइज किया वो आएगा ही नहीं। बस सिंपल। देखो कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में अगर घबराते रहे कि ये मेरा छूट गया, हिस्ट्री छूट गया, साइंस छूट गया, अब तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। कई लोग हारने से पहले ही हार चुके होते हैं, मतलब अटेम्प्ट करने से पहले गिव अप कर चुके होते हैं। वैसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। अटेम्प्ट करने से पहले पूरा फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे सब आता है, जो मैंने रिविजन नहीं किया वो आएगा ही नहीं, मैंने जो किया उसी में से आएगा। ये कॉन्फिडेंस रख के जाओगे तो अच्छा पेपर होगा। खा पी कर जाना, नाश्ता करके जाना, जल्दी उठना, लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं, जूस वूस पी के जाना और इंस्ट्रक्शंस एग्जाम के अच्छे से पढ़ के जाना। कभी वो बोल देते नीला पेन लेके आना, कभी बोल देते काला लेके आना, फिर एग्जाम में हम नीला या काला में से कोई नहीं लेके जाते तो हमारी कॉन्फिडेंस की धज्जियां वहीं उड़ जाती है। एक बार आरएएस के एग्जाम में 2013 में मेंस की परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा, उसमें मैथ्स होता था पेपर में, मेंस के एग्जाम में मैथ्स होता था, स्कोरिंग होता था मैथ्स, और नॉन मतलब मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो सिंपल कैलकुलेशन करने में इतने घंटे लग जाते हैं उनको। लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मैसेज किया आरपीएससी ने सभी कैंडिडेट्स को कि आप कैलकुलेटर ला सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आधे लोगों ने वो मैसेज पढ़ा, आधे लोगों ने वो मैसेज नहीं पढ़ा, और आधे से ज़्यादा लोग बिना कैलकुलेटर के वहाँ एग्ज़ाम में पहुँच गए। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो पड़ोसी भी अपना कैलकुलेटर देगा नहीं, और दे भी कैसे, इनविजिलेटर देने नहीं देगा कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तो उस समय तो बिना नॉन मैथ्स वालों के ऐसे हालात खराब हुए कि ना तो कैलकुलेटर, जनता तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रही है, हम यहाँ पोथी पाने में माथा मार रहे। तो आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। लास्ट मोमेंट तक भी अपना जो मोबाइल है वो चेक करना कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं आया, और वो जो पूरा आपका एडमिट कार्ड है उसको ढंग से पढ़ के जाना, उसमें कई सारी नाप शनाप चीजें लिखी होती है, तो वो क्या पता बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो हो, तो आपको वो फॉलो करनी है। और गर्ल्स और बॉयज सभी के लिए के स्लीव्स जो हैं, फुल स्लीव्स के शर्ट्स नहीं पहनने देते, मेगा स्लीव्स भी नहीं पहनने देते। मेगा स्लीव्स इज दिस 3/4, ये भी अलाउड नहीं। मेरे 99% कुर्ते मेगा स्लीव्स के, फिर चढ़ाऊं भी तो सही ना, किसको चढ़ाने के लिए होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी बड़ी बनाती हूँ। तो आरएएस का एग्जाम जब मैंने दिया, एक भी सूट ऐसा नहीं जिसकी इतनी स्लीव्स हो, फिर नया सूट सिलवाया। प्री की परीक्षा के लिए नया सूट, मुख्य परीक्षा के लिए दो नए सूट, दो दिन हुआ था ना परीक्षा, फिर इंटरव्यू के लिए नया सूट। इंटरव्यू सर्दियों में होने वाला था शायद या हुआ था, स्वेटर खरीद लिया, फिर नया स्वेटर खरीद लिया, पोस्टपोन हो गया एग्जाम, मतलब इंटरव्यू। वो स्वेटर आज तक पड़ा है, वो ऐसे आम दिनों में पहनने लायक नहीं है, थोड़ा सा ऑफिशियल लुक वाला। तो इस तरह से जो लिखा हो इंस्ट्रक्शन, हाफ स्लीव्स के शर्ट पहन के जाना, ज़्यादा अपना वो मत करना, नहीं तो काट देंगे वो आपकी स्लीव्स, है ना। और चप्पल वप्पल जो भी अलाउड हो उस हिसाब से जाना। चलो ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। मेंस में मिलते हैं मुख्य परीक्षा के समय, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।